आज हम इनवलप जो है डिज़ाइन करना सीखेंगे कि किस तरह से जो है हम लोग इनवलप डिज़ाइन करेंगे। आप लोगों ने देखा, सबसे पहले हम लोगों ने जो है वेक्टर ट्रेसिंग सीखा, उसके बाद लोगो, फिर बिजनेस कार्ड, फिर लेटर हेड। आज हम जो है इनवलप डिज़ाइन करना सीखेंगे। और मैंने एक डमी साइज़ का जो है आर्ट बोर्ड जो है क्रिएट कर लिया है। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने क्रिएट कर लिया है, और मैं आप लोगों को भी गाइड करूँगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं बाकी की डिटेल जो है लेटर हेड से जो है वो मैं कॉपी कर रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो है कॉपी कीजिएगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने जो है ड्रैग करके जो है मैं ले आया हूँ इनवलप में डिटेल जो हम लोगों ने लेटर हेड जो डिज़ाइन किया था, उसी की हम मज़ीद जो है ऑप्शन डिज़ाइन करेंगे इनवलप। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। मैंने अभी जो है डमी साइज जो है वो मैंने आर्टबोर्ड जो है वो क्रिएट किया है। आप जो है क्लाइंट से पता कीजिएगा। और मैं आर्टबोर्ड में आ गया हूँ, और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने आर्टबोर्ड पे जब क्लिक किया तो हमारे पास जो है साइज का जो है पॉपअप जो है ऑप्शन जो है वो शो हो गया है। आप इसमें आकर आप जो है साइज़ जो है चेंज कर सकते हैं। मैंने विड्थ जो है 8 रखी हुई है, हाइट जो है मैंने 4 इंच रखी हुई है, और मैंने जो है इसे हॉरिजॉन्टल जो है मैंने करवाया हुआ है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। तो आप भी लाजमी क्लाइंट से पूछिएगा कि आपको किस साइज़ का जो है इनवलप डिज़ाइन करवाना है, तो वो आपको गाइड करेंगे कि मुझे इस साइज़ का जो है डिज़ाइन करवाना है। वो आपको साइज़ बताएंगे, आप उस साइज़ का जो है आर्ट बोर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। अभी जो है आप डमी जो है क्रिएट कर सकते हैं, और आप डमी जो है प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सकें। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो है सेट कीजिएगा। और मैंने जो है रेक्टेंगल जो है वो क्रिएट कर लिया, और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने सबको जो है सेलेक्ट कर लिया है। और मैंने सिलेक्शन टूल की मदद से जो है इसे सेलेक्ट कर लिया है, और मैंने जो है अनग्रुप करवा रहा हूँ। और आप देख रहे हैं कंट्रोल वाई कर लिया है, मैंने स्ट्रक्चर देख रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर देखिएगा ताकि हमारा काम लेवल पर हो रहा है नहीं हो रहा। और मैंने जो है पाथ फाइंडर में आके मैंने इसे जो डिवाइड करवा लिया, और मैंने इसे जो है अनग्रुप करवा लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैंने सिलेक्शन टूल की मदद से इसे डिलीट कर लिया, और मैंने इसकी जो डुप्लीकेट ले ली है। मैं थोड़ा सा यूनिक्स ऑप्शन ट्राई कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि हम लोग यूनिक्स ऑप्शन डिज़ाइन कैसा लग रहा है। और आप देख रहे हैं किस तरह से हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं मैंने जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो सेलेक्ट कर लिया, और मैं इसके जो है पॉइंट जो है वो सेट करवा रहा हूँ। रेक्टेंगल जो है मैं इसको सेट करवा रहा हूँ। और मुझे जो है ये पसंद नहीं आ रहा, मैं थोड़ी सी और मज़ीद सेटिंग करके देख रहा हूँ ताकि जो है मैं एक यूनिक्स ऑप्शन जो है वो डिज़ाइन कर सकूँ। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें कुछ ख़ास मज़ा नहीं आ रहा, मैंने जो है सिलेक्शन टूल की मदद से जो इन्हें सबको जो है सेलेक्ट कर लिया है, और मैंने इसे जो है डिलीट करवा लिया है। और मैंने लोगों को जो है सिलेक्शन टूल की मदद से जो है डाउन की तरफ मूव कर लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं एड्रेस वगैरह लोकेशन जो है वो मैंने जो है अलाइन करवा रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने जो अगेन जो है लोगों को जो है नीचे डाउन की तरफ मूव करवा लिया है, और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट रखा हुआ है।
और मैं लोगों को थोड़ा सा सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारा यूनिक सा जो है एनवलप डिज़ाइन हो सके। और मैंने जो है सबको जो है रेक्टेंगल जो हम लोग डिज़ाइन किया तो मैंने उसे जो सिलेक्ट कर लिया है और मैंने इसे जो थोड़ा सा साइज़ में बड़ा कर दिया। और मैं अब लोगों को सेट कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैंने रेक्टेंगल जो है वो सिलेक्ट कर लिया है और मैंने सबको सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट कर लिया है और मैंने इन्हें जो है डिवाइड करवा लिया और मैंने इन्हें जो है ईज़िली जो है अनग्रुप कर लिया और मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया और मैंने इजीली जो है इसे डिलीट कर दिया। और आप देख रहे हैं हम लोगों ने जो है फ्रंट जो है इनवलप डिज़ाइन कर चुके हैं काफ़ी हद तक, बस थोड़ा सा ही रह गया और हमारा जो है ये इनवलप जो है डिज़ाइन हो जाएगा। और आप देख रहे हैं हम लोग जो है आज ट्रेवल एजेंसी का जो है इनवलप डिज़ाइन करें और हमारी इनवलप की क्लास कम ही होंगी, तकरीबन 5-6 से ज़्यादा नहीं होंगी और हम लोग जो है इनवलप के बाद जो है न्यू यूनिक सी चीज़ जो है वो डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें और जल्दी से सीख सकें। और आप देख रहे हैं हमारा फ्रंट जो है वो काफ़ी हद तक जो है रेडी हो गया और मैंने जो है राउंड रेक्टेंगल जो है सेलेक्ट कर लिया। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इसे डिज़ाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर जो मैं आप लोगों को राउंड रेक्टेंगल जो है वहाँ पर जो है आप लोग क्लाइंट की जो है नाम वगैरह डिटेल वगैरह शो होगी। आप लोगों ने इनवलप तो देखा होगा कि अगर आपके पास कभी भी इनवलप आता है तो उन जिनका होता है उनका नाम जो है वो इस राउंड रेक्टेंगल में शो हो रहा होता है। तो आप भी जो है इसमें जो है राउंड रेक्टेंगल में जो है शो करवाएंगे या जिन साहब का जो भी इनवल्व डिज़ाइन होगा, जिन साहब का बिजनेस होगा वो उसके हिसाब से जो है वो डिज़ाइन करवाएंगे, उस हिसाब से जो है हम आगे बढ़ेंगे। और आपने देखा किस तरह से जो है मैंने न्यू आर्ट बोर्ड जो है वो क्रिएट कर लिया और मैंने इसे जो है डाउन की तरफ मूव करवा लिया और हमने जो है सिलेक्शन रूल की मदद से जो है रेक्टेंगल जो है वो डुप्लीकेट ले ली है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम आगे बढ़ रहे हैं और मैंने लोगों की भी जो है कॉपी कर ली है। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम लोगों ने काफ़ी हद तक जो है वो बैग भी जो है रेडी कर लिया और मैंने जो है कंट्रोल वाई से जो है मैंने चेक कर लिया और मैंने अगेन जो है कंट्रोल वाई कर लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने रेक्टेंगल जो है वो क्रिएट कर लिया और मैंने जो है सिलेक्शन टूल की मदद से जो है इसे जो है कंट्रोल एक्स करवा लिया। और मैंने जो है सबको सेलेक्ट कर लिया और मैंने जो है कंट्रोल बी करवा लिया, बी फॉर बोल, और मैंने जो है लोगों को रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैं इसकी अलाइनमेंट करवा रहा हूँ, आप भी इस तरीके से जो है अलाइनमेंट करवाइएगा। और आपने देखा किस तरह से जो है हम लोगों ने जो है लोगो जो है वो अलाइन करवा लिया और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने अगेन रेक्टेंगल जो है सेलेक्ट कर लिया और मैं इसे जो है डिज़ाइन कर रहा हूँ और हमारा जो है काफ़ी हद तक जो है लेटर डिज़ाइन हो चुका है। और मैंने आज रबर की मदद से इसे जो है कलर चेंज करवा लिया और मैंने डार्क सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इसे जो है जो अंदर की साइड जो है मूव करवा रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हमारा बैक साइड भी जो है वो रेडी हो गया और मैंने जो है लोगों को थोड़ा सा नीचे कर लिया और थोड़ा सा जो है मैं बड़ा कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम लोगों ने जो है लोगों को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। बहुत ही सिंपल और यूनिक सा आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम लोग इनवेलप डिज़ाइन कर सकते हैं। और मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को जो है 4 से 5 वीडियोस में जो है मैं आप लोगों को इनवेलप जो है डिज़ाइन करना सिखा दूं ताकि हम मज़ीद आगे बढ़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने आर्ट बोर्ड में आके न्यू आर्ट बोर्ड जो है वो 2 क्रिएट कर लिए हैं और मैं अब जो है अगेन कॉपी कर रहा हूँ जो हम लोगों ने पहले इनवेलप में जो डिज़ाइन कर रखा है। हम लोग अभी जो है जो सेकंड ऑप्शन जो है यूनिक और मॉडर्न सा डिज़ाइन करेंगे। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने अल्ट की मदद से जो इसकी कॉपी ले ली है और हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम एक सेकंड ऑप्शन भी डिज़ाइन करने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल और यूनिक सा।
और आज जिस तरह से मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ वीडियो में, आप लोगों को डिज़ाइन करना सिखा रहा हूँ, आप भी उसी तरीके से जो कोशिश करें डिज़ाइन करने की, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा और मज़ीद हम आगे बढ़ सकेंगे और ज़्यादा चीज़ें सीख सकेंगे। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैं बगैर देखे जो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, अपने माइंड से डिज़ाइन कर रहा हूँ और एक यूनिक सा जो है ऑप्शन डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने रेक्टेंगल को जो है सेलेक्ट कर लिया है और मैंने इसे जो है आइस ड्रॉपर की मदद से जो है कलर चेंज करवा लिया, और मैं इसकी जो है थोड़ा सा डार्क सिलेक्शन टूल की मदद से जो है मैंने इसे थोड़ा सा जो है सेट करवा लिया रेक्टेंगल को कट की तरह, और मैंने इसे कट की तरह सेट कर लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं पाथ फाइंडर में आ गया और इसे जो है मैंने डिवाइड करवा लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैं इसकी मज़ी सेटिंग कर रहा हूँ, आप चेक कर रहे हैं किस तरह से जो है हम लोग डार्क सिलेक्शन टूल की मदद से जो इसे डिलीट करवा लिया मैंने, और मैंने इन दोनों को जो है सेलेक्ट कर लिया और मैंने इन दोनों की जो डुप्लीकेट ले ली। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं, और मैंने इन्हें जो है रोटेट करवा लिया सिलेक्शन टूल की मदद से। आपने देखा किस तरह से जो है हमारा काफ़ी हद तक जो है फ्रंट भी जो है इन मतलब का सेकंड ऑप्शन पर डिज़ाइन हो गया है, बस थोड़ा सा ही रह गया। और मैंने जो है लोगों को जो है लेफ़्ट से राइट में जो है अलाइन करवा लिया, और मैंने जो है राउंड रेक्टेंगल जो है वो राइट मूव करवा लिया। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ, आप भी इस तरीके से सेट कीजिएगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इनकी लोकेशन वगैरह वेबसाइट एड्रेस वगैरह जो मैं सेटिंग कर रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिएगा यूनिक्स ऑप्शन डिज़ाइन करने की। और आप देख रहे हैं हम लोग सिलेक्शन टूल की मदद से ही जो है इसे मूव करवा रहे हैं। और मुझे ये ऑप्शन जो है मज़ा नहीं दे रहा, मैं इसकी मज़ीद और सेटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारा यूनिक सा जो है एक मॉडर्न सा जो है इन मतलब जो है डिज़ाइन हो जाए ट्रेवल एजेंसी का। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इन्हें डाउन मूव करवा रहा हूँ, और मैं इसके जो है वैसे ही अलाइनमेंट कर रहा हूँ जैसे हम लोग अब पहले से ही अलाइन हुआ हुआ था। और मैंने जो है आप देख रहे हैं किस तरह से जो है पेन टूल सेट कर लिया, और मैंने जो है फिल कलर से स्टॉक में कन्वर्ट कर लिया, मैंने आइस ड्रॉपर की मदद से जो है मैंने इसे जो है कलर चेंज करवा लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम यूनिक सा जो है एनवेलप डिज़ाइन कर रहे हैं और मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। आप भी इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहें। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ, और हम लोगों ने जो डार्क सिलेक्शन टूल की मदद से इसे सेट करवाया है। और मुझे लोगो जो राइट साइड मज़ा नहीं दे रहा, मैंने जो है अगेन लेफ़्ट साइड जो है वो अलाइन करवा लिया और मैंने राउंड रेक्टेंगल को राइट साइड अलाइन करवा लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम लोगों ने जो है यूनिक सा जो है मॉडर्न सा डिज़ाइन कर लिया है, और हम अब जो है बैक साइड जो है वो डिज़ाइन करने जा रहे हैं, और मैंने अल्ट की मदद से जो है कॉपी कर लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं अब जो है यूनिक सा जो है बैक साइड डिज़ाइन कर रहा हूँ, और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैं राउंड रेक्टेंगल जो है वो मैंने क्रिएट कर लिया है, मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ, आप भी इस तरीके सेट कीजिएगा। और मैं अब जो है इसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जो है सेट करवा रहा हूँ एनवेलप को।
और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने आइस रबर की मदद से जो है इसे कलर चेंज करवा लिया और मैंने जो लोगों की जो डुप्लीकेट ले ली। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इसे सेट करवा रहा हूँ, तो आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और मैंने इसे जो है लोगों को जो है अनग्रुप कर लिया है, और मैंने इसे जो है टेक्स्ट को और जो हम लोगों ने सर्किल डिज़ाइन किया था मैंने उसे जो है रिमूव करवा लिया। और मैंने जो है एरोप्लेन जो है उसे मैंने जो है अरेंज में आके विंग टू फ्रंट करवा लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैंने स्ट्रक्चर की मदद से मैं इसे नोट कर रहा हूँ। और मैंने जो एरोप्लेन को जो है थोड़ा सा बड़ा कर दिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम लोगों ने एक और ऑप्शन जो है यूनिक सा मतलब जो है डिज़ाइन कर लिया है। और मैं इसकी जो है एड्रेस की जो है मैं थोड़ी सी मजीद सेटिंग कर रहा हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।